काफी रात हो गया है, लगभग 10 बजने वाला है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने घर, जो कि 3 दिन से दुख पड़ता है वो पैदल आया है, तो चलिए चलते हैं। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज अभी फिलहाल 7 बज रहा है, शाम 7 बज रहा है, और गाइज आज हमारे होम बाजार बराही बाजार में मतलब बहुत बड़ा जग हो रहा है, तो हम लोग जग देखने जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, और रात में हमारे पास मतलब 3 लड़के हैं तो साथ में जा रहे हैं। तो कैसा जग का व्यू है आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, और पूरा जग का आनंद लूंगा, मेला का आनंद लूंगा, और मैं पूरा दिखाऊंगा वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल बनाए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं जग के, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मतलब इतना नजदीक नहीं है लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए वहाँ पे मतलब पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, पैदल है। हाँ तो भाई फाइनली हम लोग, जो मेरा होम बाजार था बराही बाजार, वहाँ मैं बताया आपको कि जग हो रहा है, तो उस जग में हम लोग आ चुके हैं। तो भाई आते ही पहले मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे, और पूरा मतलब जो जग मतलब व्यवस्था किया गया उसको भी दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए पहले मंदिर देखते हैं बढ़िया से, लेकिन पीछे का मैं सबको दिखाऊंगा, तो देखिए। तो भाई जी इस प्रकार का कुछ मंदिर है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस यह मंदिर जो था वो दुर्गा माता का मंदिर था, जो कि आप देख लिए वीडियो में, और हम लोग दर्शन भी कर लिए, और दर्शन करके अब आगे चलते हैं, जो दिखाते हैं मेला का जो भी मतलब व्यू है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस जहाँ जग में मतलब जो मंच है वहाँ पे प्रवचन हो रहा है, कथा एक से हो रहा है, तो हम लोग सुनते तो मतलब नहीं है, लेकिन आपको दिखाते हैं मतलब किस तरह से हो रहा है। जिस प्रेम भाव के साथ में आप सभी कथाओं को 3 दिनों से सुनने को तैयार हैं, आज भी बहुत प्रेम के साथ में सुने एक दिन और कथा, और जितनी आनंद के साथ में सुनिए, क्योंकि फिर जीवन में कब। तो गाइस इतना सारा देखने आए हैं मतलब प्रवचन सुनने, इनका काफी ज्यादा अच्छा लगा इनका सुनकर। हम गाइस पूरा वीडियो तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर आपको सुनना होगा तो जग में जा सकते हैं, कहीं भी जगह आपके बगल बगल होगा तो। आज आपको भूख लगी होगी तो मतलब लगा या लगी होगी तो समोसा और पकौड़ी खाना जलेबी जो भी है आप खा सकते हैं, और हमें भी भूख लग गया है। अरे बोले में नहीं, सबसे प्यारी चीज बच्चे के लिए, अरे बच्चे भाई के यार बड़ो बच्चे। आज हम लोग फाइनली मेला घूम चुके हैं, यानी जग घूम चुके हैं, जग देख लिए, और हमें भूख भी लग गया यार, लगभग 9 बज गया, हम लोग 8 बजे से हैं, क्या मतलब, तो खाना भी चाहिए हमें, तो मतलब देखिए खाना में क्या लिया था खाते हैं हम लोग। तो आज आपको बता दें कि इतना छोटा मेला है, जो कि कुछ ज़्यादा खाने का मतलब नहीं भी है, जिलेबी छोड़ा कर और कोई चीज़ पसंद मतलब नहीं है, हम लोग जिलेबी खा कर मतलब जिलेबी उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब बासी लग रहा था, हाथ अभी लेटा है तो हम लोग
बाएं हाथ से मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग जिलेबी खाने के बाद अब गुपचुप खाने वाले हैं, या पानी पूरी आप कह सकते हैं, या पोचका भी कह सकते हैं, वही खा रहे हैं। मैं आपको पीछे का मसाला खाता हूँ। तो गाइस हम लोग गुपचुप भी खा चुके हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुपचुप अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और दोस्तों और जिलेबी कैसा लगा? जिलेबी तो ठीक है लगा, बहुत ठंडा था। तो जिलेबी और फोक्चा में मतलब कौन देसी लगा? अच्छा मतलब लगा फोक्चा। हाँ हाँ, गुपचुप वही पानीपुरी। तो कैसा लगा ये जग, मतलब कैसा लगा ये वीडियो भी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो काफ़ी रात हो गया है, लमसम 10 बजने वाला है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि 3 दिन से दुख पड़ता है, वो पैदल आए हैं। तो चलिए चलते हैं।